अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रियली सक्सेस माय केस। वीडियो का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट सवाल थे जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई थी, यहाँ से तो आपका ये कवर हो गया है। ये जो चार टॉपिक्स हैं ये रह गए हैं, इनमें से आपने एक सवाल अटैम्प्ट करना है, ठीक है, इस पोर्शन के अंदर जो भी आएगा। तो लिहाजा जो जो चीज़ें मैं कराऊँगी यहाँ से, ये वाले टॉपिक्स आपने हर सूरत करने हैं। और एक और टॉपिक है केवीए टेम्परेचर वाला, वो भी बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं उसको भी कवर कर दूँगी। इधर तो मैंने वो नहीं लिखा था लेकिन वो मैं कवर कर दूंगी। अब आपके पास जो है वो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी हो गई हैं, अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने कवर करनी है। पेपर आपका पास होने के लायक हो गया है, अब आपने फिफ्थ सवाल जो है वो भी करना है ताकि आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। और एट दी एंड ऑफ द वीडियो हम इसके पास्ट पेपर देख लेंगे कि पास्ट पेपर में ये सवाल किस तरह से पूछा गया है। आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इंट्रो। इंट्रो के अंदर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, फिर हम देखेंगे एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, और फिर एक और सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इनके दरमियान डिस्टिंक्शन क्या है। तो वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। देन आपके पास हम देखेंगे असेंशियल एलिमेंट्स। अब आपने ना इस सवाल को किस तरह से तैयार करना है, मैं आप लोगों को एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको फिंगर टिप्स पर याद कर लीजिए, क्योंकि आपका मकसद यही है कि पेपर के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से सवाल आपका आ जाता है डिस्टिंक्शन, आप इन दोनों के बारे में डिस्टिंक्शन लिखिए, तो आपने पहले इनका इंट्रो लिखना है, फिर उसके बाद इनके असेंशियल, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, उसके असेंशियल एलिमेंट्स लिख लो पहले, फॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद आप एक सवाल को एक सीक्वेंस के अंदर लेके चलते हुए फिर डिस्टिंक्शन का ले आओ, फिर डिस्टिंक्शन की जो सब हेडिंग्स हैं वो लिखो, फिर उसके बाद एक दो हेडिंग और लिख लो, और देन एट दी एंड कंक्लूजन लिख लो, जो जब आपका 7 या 8 पेजेस का सवाल हो जाएगा तो फिर, ठीक है। असेंशियल एलिमेंट्स हमने इसके डिस्कस करने हैं, जो जो भी हुए वो देख लेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेशन हम देख लेंगे किस तरह से है, टाइप्स देख लेंगे इसकी कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद फिफ्थ आउटलाइन हम देखेंगे कंडीशंस के बारे में एंड वारंटीज, फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो हम देखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर की जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं हम वो देखेंगे, इन केस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं तो उसकी रेमेडीज़ क्या क्या होंगी वो देखेंगे, देन एट दी एंड कंक्लूजन। अब एक सवाल मैं आपको पास्ट पेपर से बताती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से इस सवाल को हम डिस्कस करके ना, तो फिर इसकी प्रॉपर प्रेपरेशन उसी हिसाब से तैयारी शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर है कि आप बताएँ सेल क्या होता है, ठीक है, एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एंड आल्सो बिटवीन एग्रीमेंट, बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अब दोनों के दरमियान है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, इंट्रो की हेडिंग देनी है, इंट्रो एक छोटा सा लिख के जिसके अंदर आप वर्बली मतलब आप बिल्कुल टच करते हैं जिस तरह चीज़ों को, बिल्कुल हल्का हल्का आपने हर चीज़ के बारे में बताना है, फिर उसके बाद आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद आपने उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद जिस तरह भी आप लिख रहे हो, बेहतरीन तरीका ये है कि आप ब्लू पेंसिल से लिख रहे हो ना, तो जो आप डेफिनेशन लिख रहे हो उसको कोशिश करो कि ब्लैक पॉइंटर से लिखो, ठीक है, फिर थोड़ा सा उसको नीचे एक्सप्लेन कर दो, देन डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, एक है सेल की और एक है सेल, तो फिर आपने उसकी एग्रीमेंट लिखनी है, फिर उसकी इसी तरह जिस तरह मैंने ब्लैक पॉइंटर से आपने पेंसिल लिखी, फिर उसकी असेंशियल एलिमेंट्स लिख दो, फॉर्मेशन लिख दो, ठीक है, और बिल्कुल छोटी छोटी हेडिंग्स करके आप लिखने के बाद डिस्टिंक्शन की हेडिंग दो, और फिर डिस्टिंक्शन की यहाँ पर जो मैंने आपको बताऊँगी सब हेडिंग्स आपने वो लिखनी है, और इस तरह से आप देखो कि सवाल आपका लंबा से लंबा होता जाएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसके अंदर कवर करते जाओगे, ठीक है। Essential elements of the contract, ये आपका इस तरह से आपने सवाल करना है। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट इसलिए किया है ताकि हाईलाइट करने में जो थोड़ा बहुत टाइम ज़ाया होता है वो ना हो, ये सवाल करने का तरीका था। अब सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है, एग्रीमेंट होता है सेलर और बायर के दरमियान, ठीक है, वहाँ पे सेलर इस चीज़ पर एग्रीमेंट शो करता है कि ठीक है आप मुझसे अगर ये चीज़ ले रहे हो बदले में पैसे दे रहे हो, ठीक है, और आप एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जिस तरह आप जाते हो दुकान पे स्टोर पे जाते हो फ़ोन ख़रीदने के लिए, ठीक है, और जैसे ही आप उन्हें पेमेंट करते हो और फ़ोन उसी टाइम आपका हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट में ये फ़र्क है कि एग्रीमेंट में आप एक प्रॉमिस कर देते हो कि ठीक है यही टर्म और कंडीशन पूरी होंगी तो मैं इस टाइम पे आपको जो है वो ऑनरशिप दे दूंगा।
अब मैं इसको दो एग्जांपल से समझाने लगी हूँ। आपने ख़रीदनी है बुक, आप गए हो बुक शॉप के ऊपर, आपने उसको दिए हैं पैसे, पैसे दे के आपने बुक ले ली है। इमीडिएटली आपको उस बुक की जो है वो ऑनरशिप दे दी गई है कि ये बुक अब आपकी है, आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करिए, आगे बेचिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। एग्रीमेंट टू सेल, आप गए कोई कार ख़रीदने और आपने वहाँ पे एग्रीमेंट किया कि मुझे ये किस्तों में गाड़ी चाहिए और मैं जैसे ही ये किस्तें पूरी होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 साल की थी, 3 साल की थी, और जैसे ही वो किस्तें पूरी होंगी उसके बाद आप मुझे उस गाड़ी की ऑनरशिप दे दीजिएगा, दिस इज़ एग्रीमेंट टू सेल। तो ये दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस था बहुत सिंपल करके। अब है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब इस सवाल को लंबा करना हो तो किस तरह करना है, सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन लिखोगे, एग्रीमेंट टू सेल की डेफिनेशन लिखोगे, उनकी एग्जांपल्स लिखोगे, उनके करैक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू कर दोगे, कोई की पॉइंट्स निकाल निकाल के लिख लोगे, फिर उसके बाद डिस्टिंक्शन की हेडिंग दोगे और डिस्टिंक्शन आप बताओगे कि किस किस बेस के ऊपर है। सबसे पहले आप बताओगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे हम इनकी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, रिस्क और पेरल्स की बेस के ऊपर कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर कर सकते हैं। फिर आप क्या करो, टेबल बनाना चाहो टेबल बनाओ, टेबल नहीं बनाना चाहते तो आप सबसे पहले ब्लू मार्कर से हेडिंग दो डिस्टिंक्शन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखो, ऑनरशिप उसी वक्त आपको मिल जाती है। और एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है कि आपको ओनरशिप फ्यूचर में जाके आने वाले टाइम पे जाके मिलती है। अब आप इसके लिए नीचे एग्जांपल्स दीजिए, सिनेरियोज अपने मर्जी के बनाइए, सिनेरियोज बना के एग्जांपल दीजिए, देखिएगा सवाल किस तरह से आपका लंबा होता जाएगा और इजीली आपकी अपनी मर्जी से आप लिख रहे हो चीज़ें, आपको जो जो आती हैं आप वो लिख रहे हो, आप किसी चीज़ के साथ कन्फाइन नहीं हो, इस तरह से आपको तैयारी करने का भी मज़ा आएगा। फिर रिस्क और पैरल अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर जो है वो रिस्क बियर करता है, जबकि एग्रीमेंट के अंदर जो रिस्क है वो सेलर बियर करेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें कि इफ़ बायर डजेंट पे, तो जो है मतलब अगर बायर ने पे नहीं किया, जाके आपने गाड़ी खरीद ली लेकिन पेमेंट नहीं की, तो वो आपके पास जो बायर है उसने पे नहीं की तो सेलर आपको उस प्राइस के लिए सू कर सकता है, आप पे केस कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंसॉल्वेंसी, इफ़ द सेलर गोज बैंकरप्ट द बायर कैन क्लेम द गुड्स बिकॉज दे ऑलरेडी, अगर ऐसा होता है कि आपने किसी सेलर से कोई चीज़ खरीदी है और वो बैंकरप्ट हो गया है, फिर भी वो चीज़ें आपको ही बिलोंग करती हैं। एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है, अगर सेलर बैंकरप्ट हो गया है तो जो बायर है जिसने एग्रीमेंट किया हुआ है वो गुड्स को क्लेम नहीं कर सकता, हाँ उसको जो जो डैमेजेस फेस करना पड़ते हैं वो उसके लिए उनको क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब आपने अपने अपने सिनेरियोज बनाने हैं, अपने जिस तरह जो भी आप डेली लाइफ में देखते हो, जो जो आपको पता है आप उसके लिए देख सकते हो। नहीं अगर समझ आ रही ना इसकी आपको कि मैंने इसलिए आपके ऊपर छोड़ा कि आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको मैं एक सोल्यूशन दे देती हूँ, आप गूगल पर जाके लिखिए उससे रिलेटेड आपको कोई सिनेरियो मज़े का जो भी लगता है, आप वो उसको एक दफ़ा माइंड में बिठा लो और अपने जो नोट्स बना रहे हो उसके अंदर लिख लो, ठीक है। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पहले तो दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, यानी एक सेलर होना चाहिए और एक बायर होना चाहिए। दूसरा, उन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए। अगर मैं आपको बुक दे रही हूँ तो आप मुझे पैसे दे रहे हो, अगर मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो इन रिटर्न आप मुझे पैसे दे रहे हो। अब देखो दो पार्टीज़ हैं, एक मैं हूँ जो बेच रही है नोट्स और एक आप हैं जो ख़रीद रहे हैं, मैं सेलर हूँ आप बायर हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कैसे आ रही है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं और आपको इन रिटर्न नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जो मतलब ये जो आपको नोट्स मिल रहे हैं बेसिकली ये क्या है, ये गुड्स हैं, ठीक है। आगे आपको प्राइस, जो प्राइस आप मुझे एक सब्जेक्ट के लिए 300 पे कर रहे हो, तो वो जो है वो प्राइस आपके पास क्या होगी, वो जो मनीटरी कंसिड्रेशन है वो प्राइस है, ठीक है। और ये आपकी मर्जी से हो रहा है, कोई किसी किस्म की मैंने आप लोगों के ऊपर जो है वो गोली नहीं रखी हुई कि बंदूक नहीं रखी हुई कि आप मुझे पैसे दो और नोट्स लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हो तो ख़रीदो, नहीं ख़रीदना चाह रहे तो भी आपकी अपनी मर्जी है। फॉर्मेशन, उसके बाद आपका थर्ड आ जाता है आउटलाइन फॉर्मेशन, उसके लिए है कि कोई चीज़ ऑफ़र करना ज़रूरी है, और अगर आपने कोई चीज़ ऑफ़र की है तो वो अगला बंदा उसे एक्सेप्ट कर रहा है कंडीशंस के साथ, और
कंसीडरेशन क्या है कि वैल्यू एक्सचेंज है, वो जो पैसे हैं टिपिकली, जो पैसे आप मुझे दे रहे हो और मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, वो कंसीडरेशन है। लीगल कैपेसिटी है, यानी आप 18 साल से इस टाइम ज़्यादा की उम्र में हो, आप को कैप आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, इन सारी टर्म्स और कंडीशंस को आप समझ रहे हो कि मैं आपको पैसे आपको देने हैं और इसके बदले में आपको जो भी मिलेगा उससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का वर्ड हम बेसिकली पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कि जो भी पर्पस है वो एक कानूनी पर्पस है, यानी अगर आप मुझसे नोट्स ले रहे हैं तो आप उससे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई ये नहीं कि आप मुझसे ड्रग्स खरीद रहे हो या ये वो, ये आप मुझसे नोट्स खरीद रहे हैं, ठीक है। और वो जो नोट्स हैं वो आप अपने अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है, फ्री कॉन्सेंट है, किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मेशन है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो तरह की होती हैं सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक तो एब्सोल्यूट होता है और एक कंडीशनल होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या है, इफ़ यू बाय अ बुक फ्रॉम द बुक स्टोर एंड पे फॉर इट, द ओनरशिप आपको फौरी तौर पे ओनरशिप मिल गई है, ये एब्सोल्यूट है। मेरे मुझे आपने मैसेज किया कि मैम मुझे इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या मुझे सारे नोट्स चाहिए, आप मुझे पे कर दो, नोट्स जो है वो दे दो, मैं आपको कह रही हूँ कि आपने पेमेंट कर दी है तो आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। जैसे ही मुझे वो स्क्रीनशॉट मिलता है तो मैं आपको फौरी तौर पे उसी टाइम आपको नोट्स मिल जाते हैं, तो ये इमीजिएटली हो रहा है बगैर किसी कंडीशन फर्दर कंडीशन के। लेकिन अगर इस तरह से हो कि मैं ये रख लूँ कि ठीक है आप ऐसा करो, अभी आपके पास पैसे नहीं है, अभी आप मुझे इतने पैसे भेज दो, ठीक है मैं आपको इतने नोट्स भेज दूंगी, फिर उसके बाद आप जब और भेजोगे तो वो जब सारी कंडीशंस आप पूरी कर लोगे तो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे, तो ये फ्यूचर में बात चली जाती है, तो ये कंडीशनल हो जाती है। इसके अंदर आप कार की एग्जाम्पल भी मैंने कहा ना कि अगर आप किस्तों के अंदर कार ले रहे हो तो जब तक किस्तें पूरी होती हैं तब तक आपको पूरी नहीं होती आपको तब तक कार की ओनरशिप नहीं मिलती, जैसे ही आपकी पेमेंट पूरी हो जाती है तो आपको ओनरशिप दे दी जाती है। सेल विद राइट ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। अगर ये होता है कि मैं आपको कहूँ कि आप को मेरे पास एक ज़मीन है वो ख़रीद लो, लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज ये ऐड कर दूँ कि आप इसको दोबारा से मैं जो है मुझे अलो करोगे कि मैं 5 साल के अंदर दोबारा इसको ख़रीद सकता हूँ, तो ये जो है वो राइट ऑफ रिडेम्पशन है। सेल ऑन अप्रूवल ये है कि मैं अगर आपको कोई चीज़ बेचूँ वो कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो, ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आपको सिर्फ, मैं इसकी एग्जांपल आपको नोट्स के हवाले से दे देती हूँ कि आपको मैंने नोट्स दिए और मैंने कहा कि आपको आप मुझे इतना पे कर दो और इतने जो है वो ड्यूरेशन पेपर तक आप उसको यूज़ कर सकते हो और जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ तो आप मुझे वापस कर सकते हो, मतलब जब आपने देखा नोट्स को खोला और आपने देखा कि नहीं ये नोट्स तो अच्छे हैं नहीं, और आपको मैं अगर कहूँ कि आप मुझे दोबारा वापस उनको कर सकते हो अगर वो आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो वो आपके पास सेल ऑन अप्रूवल है। जिस तरह एक कंपनी जो है वो अपने बिजनेस के लिए कोई एक मशीन उसने बनाई है और उसने किसी कंपनी को भेजी है, ठीक है, और उसने कहा है कि आप जो है वो इस मशीन को यूज़ करिए, ठीक है, और आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आपके ये आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हो, ये आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो आप इसको वापस करने का ऑप्शन भी है, दिस इज़ द सेल ऑन अप्रूवल, ठीक है। कंडीशंस हैं, कुछ वारंटीज हैं। कंडीशन क्या होती है, कोई एसेंशियल टर्म्स होती हैं जो आपको हर बात पर मानना पड़ती है। वारंटीज होती हैं कि अगर जो है वो आपने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है वारंटी कि इसके ऊपर माइनर स्क्रैचेस नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन जब वो पहुँचती है उसके ऊपर लिखा होता है तो आप उसकी कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप वो रेफ्रिजरेटर वापस नहीं कर सकते। कुछ एक्सप्रेस होती हैं कंडीशन जो क्लियरली डिक्टेट की जाती हैं, और कुछ इम्प्लाइड होती हैं जो आप डिक्टेट नहीं करते हो लेकिन वो चीज़ें वो कंडीशंस ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह आपकी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वारंटी का कॉन्सेप्ट है। परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट पूरा होता है, आप डिलीवरी ऑफ गुड्स करते हो, फिर जो भी गुड होती है आप उसकी पेमेंट करते हो, फिर आप उसकी डिलीवरी को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, और रूल्स होते हैं कुछ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के भी, और रिस्क भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और कंडीशनल सेल बिल ऑफ मे प्रिजर्व द राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड अंटिल सर्टेन कंडीशन ऑफ आर फिल्ड।
अब कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं बायर्स एंड सेलर्स की. राइट्स एंड ड्यूटीज, सब सेलर हम पहले राइट्स के पढ़ेंगे. राइट, उसके पास ये राइट है कि वो अपने पास जो है वो पोजेशन रख सकते हैं जब तक बायर ने आपको पेमेंट नहीं की. राइट ऑफ स्टॉपेज, अगर कहीं यूज़र जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो गुड्स की को ट्रांजिट में स्टॉप कर सकता है. उसके पास राइट है रीसेल करने की. ड्यूटीज़ ऑफ सेलर, अब उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं कि वो गुड्स को डिलीवर करेगा ऑन टाइम, ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी को, वारंटी प्रोवाइड करेगा. अब हम देखेंगे बायर की क्या, जो ख़रीदने वाला है उसके क्या राइट्स हैं. उसके ये राइट्स हैं कि उसको डिलीवरी टाइम पे मिले. उसका ये राइट है कि अगर उसको गुड नहीं पसंद तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है. अगर कोई डैमेजेस हैं तो उसके लिए क्लेम कर सकता है. ड्यूटीज़ क्या है, गुड्स को एक्सेप्ट करेगा, पेमेंट करेगा और गुड की इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा कि वो ठीक है या नहीं है. तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं. अब आपने इनके अंदर चीज़ें वो करनी हैं जो सवाल जिस तरह से पूछा गया है इसका, वो चीज़ें आपने इस सवाल से निकाल के जो है वो ऐड करनी है पास्ट पेपर साथ रख के, फिर ताकि आपको साथ साथ तसल्ली होती जाए. रेमेडीज़ हैं, सूट कर सकते हैं, मतलब सेलर जो है अगर बायर ने प्राइस पे नहीं की तो उसके लिए वो उसके ऊपर केस कर सकता है. अगर कोई भी डैमेज हुआ है उसके लिए पे कर सकता है. इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट के ऊपर अगर वो इंटरेस्ट चाहता है तो वो उसके लिए क्लेम कर सकता है. बायर अगर डिलीवरी जो है वो डैमेज, मतलब प्रोडक्ट्स उसे रिसीव हुए हैं वो ख़राब हैं, उसके ऊपर कर सकता है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर कर सकता है, या वारंटी जो क्लेम की गई थी वो उसकी जो है वो ब्रीचमेंट हुई है तो उसके ऊपर वो उसके ऊपर जो है वो केस कर सकता है. ये थी आपके सवाल, ठीक है. अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो वो पेड हैं. अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो 300 के आपको मिल जाएंगे. आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डायरेक्ट उधर से आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, आप मुझसे जो है वो नोट्स ख़रीद सकते हैं. बच्चे ख़रीद भी रहे हैं तो ये बेहतरीन चीज़ है कि अगर आपने नोट्स ख़रीद लिए हैं, बार बार आपको 15-16 मिनट की वीडियो नहीं देखना पड़ेगी. नोट्स होंगे तो फ़ोन से आप लोग देख लोगे, ख़रीदोगे, पैसे जेब से जाएंगे तो आप लोगों को उसकी कदर भी होगी नोट्स की. और बाकी ये बेहतरीन मैं आपको ओपिनियन दे सकती हूँ कि ख़रीद लो. और बाकी अगर सारे सब्जेक्ट्स के ख़रीदना चाह रहे हो तो वो 2K में आपको मिलेंगे, 2000 में मिल जाएंगे, ठीक है. बाकी अगर किसी को इसके अंदर भी इशू हो रहा है ना कि वो 2000 नहीं पे कर सकता है, क्योंकि सबकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, तो नेगोशिएट किया जा सकता है प्राइस के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी, कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो ये आपकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है. आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ख़रीद लीजिए, पेपर्स. अब आप आज का दिन सिर्फ ये जो रवियन वाला है ना 19 अगस्त, आप ये करिए, रवियन वगैरह जितने भी है वो करिए आप. लेकिन कल से आपने 20, 21, 22 आपने पूरे दिन जो है वो अपने इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को देने हैं और उसकी तैयारी करनी है. आपने नोट्स चाहिए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. और इसके अलावा अगर कोई चीज़ टिल एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम समझ नहीं आ रही है, आप डायरेक्ट मेरे से पूछिए कि मैम इसकी चीज़ की समझ नहीं आ रही है नोट्स से, आप हमें बताइए या हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि पेपर में मैं किस तरह से तैयारी करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सिलेबस को किस तरह से डिवाइड करूँ. आप नोट्स ले रहे हो लेकिन उसके साथ आपको गाइडेंस भी अवेलेबल होगी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं. किसी भी तरह से कोई समझ नहीं आ रही, टाइम टेबल आप बता दें हमें किस तरह से मैं कवर करूं 3 दिनों के अंदर. अगर आपने नहीं भी तैयारी की ना तो थोड़ा सा दिमाग है ना चीज़ें को तैयार करने का, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ स्कूल से आप पेपर के अंदर तैयारी करके पास हो जाओगे. लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए. चलें जी, अल्लाह हाफिज़. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा.